कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व देश और विदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पद्म पुराण में वर्णित जन्माष्टमी व्रत कथा जिसके बारे में महादेव जी ने नारद जी को बताया है, इस कथा के पाठ के बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। इसका पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा व्यक्ति को मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह भगवान शिव ने नारद जी को इस कथा के बारे में बताया था। एक बार नारद जी बोले, देव जगदीर भक्तों को अभय दान देने वाले महादेव, कृपा करके कोई दूसरा व्रत बताइए। महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उन पर संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुंदर पुरी प्रदान की जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसमें रहकर राजा हरिश्चंद्र सात द्वीपों से युक्त वसुंधरा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। प्रजा को वे अपने पुत्र की भांति मानते थे। राजा के पास धन धान्य की अधिकता थी, उन्हें नाती पोतों की भी कमी न थी। अपने उत्तम राज्य का पालन करते हुए राजा को एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, आज के पहले कभी किसी को ऐसा राज्य नहीं मिला होगा, मेरे सिवा दूसरे मनुष्यों ने ऐसे विमान पर सवारी नहीं की होगी। यह मेरे किस कर्म का फल है जिससे मैं देवराज इंद्र के समान सुखी हूँ। राजा हरिश्चंद्र के इस प्रकार सोच विचार करते हुए अपने उत्तम विमान पर से आकाश मार्ग से जाते समय पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत पर दृष्टि पड़ी। उस श्रेष्ठ शैल पर जनयोग परायण महर्षि सन कुमार दिखाई पड़े जो सुवर्णमयी शिला के ऊपर विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा अपना विस्मय पूछने के लिए उतर पड़े। उन्होंने पास जाकर हर्ष में भरकर मुनि के चरणों में मस्तक झुकाया तो महर्षि ने भी राजा का अभिनंदन किया। फिर सुखपूर्वक बैठकर राजा ने मुनि श्रेष्ठ सन कुमार जी से पूछा, भगवन मुझे जो यह संपत्ति प्राप्त हुई मानव लोक में प्राय दुर्लभ है, ऐसी संपत्ति किस कर्म से प्राप्त होती है, मैं पूर्व जन्म में कौन था, यह सब बातें यथा स्वरूप से बतलाइए। सन कुमार जी बोले, राजन सुनो, तुम पूर्व जन्म में सत्यवादी पवित्र एवं उत्तम वैश्य थे। तुमने अपना काम धाम छोड़ दिया था, इसलिए बंधु बांधवों ने तुम्हारा परित्याग कर दिया। तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया था, इसलिए तुम स्वजनों को छोड़कर चल दिए। पत्नी ने ही तुम्हारा साथ दिया। एक समय तुम दोनों किसी बड़े जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक पोखर में कमल खिले हुए थे। उन्हें देखकर तुम दोनों के मन में यह विचार उठा कि हम यहाँ से कमल ले लें। कमल लेकर तुम दोनों एक एक पग भूमि लांघते हुए शुभ एवं पुण्यमयी वाराणसी पुरी में पहुँचे। वहाँ तुम लोग कमल बेचने लगे, किंतु कोई भी उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े खड़े तुम्हारे कानों में बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। फिर तुम उसी ओर चल दिए। वहाँ काशी के विख्यात राजा इंद्र द्युमन की सती साध्वी कन्या चंद्रावती ने, जो बड़ी ही सौभाग्यशालिनी थी, जयंती नामक जन्माष्टमी का शुभ कारक व्रत किया था। उस स्थान पर तुम बड़े हर्ष के साथ गए। वहाँ पहुँचने पर तुम्हारा चित्त संतुष्ट हो गया। तुमने वहां भगवान के पूजन का विधान देखा। कलश के ऊपर श्रीहरि की स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी। विशेष समारोह के साथ भगवान का पूजन किया। भिन्न भिन्न पुष्पों से उनका श्रृंगार हुआ था। भगवान की भक्ति के वशीभूत हो तुमने भी अपनी पत्नी के साथ कमल के फूलों से वहां श्रीहरि का पूजन किया तथा पूजा से बचे हुए फूलों को उनके समीप ही बिखेर दिया। तुमने भगवान को पुष्पमय कर दिया। इससे उस कन्या को बड़ा संतोष हुआ। वह स्वयं तुम्हें धन धान्य देने लगी, किंतु तुमने नहीं लिया। तब राजकुमारी ने तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रण दिया, किंतु उस समय तुमने ना तो भोजन स्वीकार किया और ना ही धन। यही पुण्य तुमने पिछले जन्म में अर्जित किया था। फिर अपने कर्म के अनुसार तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसी महान पुण्य के प्रभाव से तुम्हें विमान मिला है। राजन पूर्व जन्म में जो तुम्हारे द्वारा वह पुण्य हुआ था, उसी का फल इस समय तुम भोग रहे हो। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।